नमस्कार। भारत की आला सरकारी नौकरियों सिविल परीक्षा के साथ क्या वही होना है जो अदालत, मीडिया, एनजीओ आदि के साथ हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की नौकरशाही, कार्यपालिका का चाल, चेहरा, चरित्र बदलते लगते हैं, हिसाब से इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था की हैसियत का खात्मा करके ऐसा करना क्या खतरनाक नहीं होगा? 70 सालों की हकीकत में यूपीएससी की परीक्षाओं की साख, गोपनीयता, निरपेक्षता और वस्तुनिष्ठता भारी उपलब्धि है। राजनीति, पैसे, दबिश से मुक्त रहकर इस संस्था ने तय कसौटियों में परीक्षाएं करवाई, नौकरियों की लिस्ट बनवाई। यूपीएससी के चरित्र, उसकी चयन प्रक्रिया ने अफसरों, कर्मचारियों की स्वतंत्र प्रोफेशनल तासीर बनवाई। अब इस रोल को पीएमओ कट कर देना चाहता है। वह संस्था को सिर्फ परीक्षा लेने वाला बनवा दे रहा है। चुने गए परीक्षार्थियों के बारे में अंतिम फैसला सरकार अपने पास या कि कार्यपालिका, सत्ता में बैठी पार्टी, नेता को ट्रांसफर होने वाले हैं। इसके क्या अर्थ है, इस पर अब मेरी सुभव्रत भट्टाचार्य से बातचीत है। सुबो जी, प्रधानमंत्री दफ्तर ने यूपीएससी से चयनित उम्मीदवारों को लेकर जो सुझाव दिए हैं कि ये एक नया तरीका अपनाया जाए कि आईएएस, आईपीएस या सेवाओं के निर्धारण से लेकर उनके राज्य काडर को लेकर जो कुछ प्रक्रिया है वो उसका तरीका बदला जाए, इस विवाद को, इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? संशोधन तो सदा होनी चाहिए जी, परंतु संशोधन अच्छाई के लिए होना चाहिए। मेरा मानना है कि आईएएस की चयन पद्धति, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी की ट्रेनिंग पद्धति और वहाँ की इवेल्यूएशन पद्धति, ये सालों से अच्छे तरह से चल रही है जी। और यूपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा अगर 70 सालों में संस्थाओं में किसी का रहा है। हालांकि अभी श्री राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस पेनिट्रेट कर रही है सिविल सर्विसेज में। मुझे बात समझ में नहीं आई कि यूपीएससी के परीक्षा में पेनिट्रेशन कैसे हो जाता है अगर कोई मेरिट में आ जाता है। नहीं, वो बात की बात के लिए कि ये फाउंडेशन कोर्स के जरिए फिर सिलेक्शन करने में, उसके अंदर चॉइस करवाने में जो भी है, ये इस तरह से कभी न्यायालय पे, कभी यूपीएससी पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे आक्षेप लगाना, ये एक स्टाइल और फैशन हो गया कुछ लोगों का जो भी है। परंतु अभी जो अगर आप एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर आप डालना चाहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में या ट्रेनिंग प्रोसेस में, इसमें पता नहीं अच्छाई के लिए होगा कि बुराई के लिए। देखिए, इसमें अच्छाई का पॉइंट क्या नजर आता आपको और बुराई का क्या आता? बुराई का पॉइंट यह है कि अभी मनमोहन सिंह के जमाने में एक डिपार्टमेंट खोल दी गई थी इवेल्यूएशन के लिए, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट जी। उसका सेक्रेटरी किसको बनाया गया? एक ऐसे शख्स को जो कि खुद यूपीएससी की एग्जाम नहीं पास कर पाया था, उसके बाद वो अमेरिका चला गया, प्रोफेसर बन गया। इनफैक्ट 1978 बैच के अफसर हंसते थे कि हमारे बीच में जो आ नहीं पाया हमारे बैच में, वो हमारी समीक्षा कर रहा है, हमारी समीक्षा कर रहा है, ठीक है। उसको समीक्षा का सेक्रेटरी बना दिया गया। हालांकि वो पढ़े लिखे अच्छे आदमी हैं, उनकी मैं कोई अवमानना नहीं करना चाहता, परंतु ये मनमोहन सिंह जी चूंकि उसको जानते थे जो ले आए आउटसाइडर। आजकल आउटसाइडर्स के इवेल्यूशन, आजकल सेक्रेटरीज के लिए पहले तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे इवेल्यूशन हो जाता था, अब आजकल 360 डिग्री एक शुरू हो गया। 360 डिग्री में आउटसाइडर्स भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग जिनको गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये नहीं, लेकिन ये सब एक प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, पेशेवर करने के लिए नहीं है। इस 360 डिग्री चलते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। 360 डिग्री के चलते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मनमानी हो रही है और सब्जेक्टिविटी हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। नहीं, अपने इस स्पेसिफिक की यूपीएससी की चयन प्रक्रिया इससे कितनी बदली जाए, बदलेगी इससे? उसमें भी ये लोग अभी सोच रहे हैं कि 360 डिग्री वेरिएशन के बाद इन लोगों एक फाउंडेशन कोर्स हो और उसकी मार्किंग जितनी आए उसके बाद फिर आईएएस और आईपीएस का हो, यूपीएससी के अच्छे एग्जाम के बाद फिर से कुछ एक्सट्रेनियस उसको लेकर 63 डिग्री इत्यादि करके सब्जेक्टिविटी लेकर, इसमें सब्जेक्टिविटी की अच्छी खासी
नहीं, उसमें प्रधानमंत्री और राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए नियुक्तियां हो। प्रधानमंत्री ने आते ही कहा था कि किसी को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को एक के बाद एक एक्सटेंशन मिल रहे हैं, कई कई और भी अफसर नहीं। ये सारी बातें अपनी जगह सब बोलिए। आप अगर सिविल सर्विसेज में अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो फिर रिटायरमेंट एज नहीं सुबह जी, बुनियादी मुद्दा ये है कि जो बच्चे जो है नौजवान जो पीढ़ी है जिसको यूपीएससी के जरिए भरोसा था कि बिल्कुल तटस्थता के साथ परीक्षा होती है, पारदर्शिता के साथ होती है, इसकी करियर देखेंगे ना। हाँ, आजकल हो क्या रहा है कि रिटायरमेंट के टाइम पे कूलिंग ऑफ पीरियड भी कोई नहीं मारा जा रहा। अभी एक शख्स जो फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर हुआ, फॉरेन उसको टाटा में नौकरी दे दी गई और उसकी कूलिंग ऑफ वेव ऑफ हो गई। जी जी, और नहीं, वो सारी मनमानी अपनी जगह है, मनमानी है। वो मनमानी है सुबह जी। तो ये सिविल से जो बच्चों के लिए जो नौजवान जो आईएएस बनने आईपीएस बनने के लिए जो वो आते थे, वो अब आगे इस अनिश्चितता में कि हम एक बार ये क्लियर कर लेंगे, फिर फाउंडेशन करेंगे, फिर हमें किसी की प्रधानमंत्री या वहाँ जो चयन कोई अफसर टिक करेगा, अच्छे वो ग्रेडिंग करेगा, ये सब एक नया झमेला नहीं पैदा हो रहा है? नहीं, अभी बनाया जा रहा है कि आप कुछ लोगों को खुश रखिए, उनकी सब्जेक्टिविटी को सेटिस्फाई कीजिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, तो ये अपने आप में एक नौकरी का जो एक नीचे में जो राज्य स्तर पर जो धांधली होती थी या जो उस तरह का होता था, उसका रास्ता यूपीएससी में भी नहीं खुलता। आईएएस हमारी सरकार की रीढ़ है। आईएएस हो, आईएफएस हो, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सब सब की बात होता है। तो आईएएस जो है वो हमारी सरकार की रीढ़ है। हाँ, तो उसके बलबूते पे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस चलते हैं। और ये कार्डर एलोकेशन की जो बात चल रही, पहले बहुत सिंपल रूल था कि 50% लोग किसी बैच में स्टेट के लिए जाते थे, 50% आउटसाइडर भेजे जाते थे। इससे एक अच्छा मिक्स बन जाता था और किसी भी राज्य विशेष को अपने अफसरों पे नहीं। तो ये सारे काम यूपीएससी कायदे से कर रही थी या नहीं कर रही थी? अभी कर रही है, कर रही है ना। तो उसमें उसके रोल क्यों कम करने की सोच रहे, उसका क्या तर्क है? ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, हर चीज में सब्जेक्टिविटी चल रही है। आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप यहाँ पर 360 डिग्री लाने की सोच रहे हैं। जो एस्टेब्लिश जो प्रक्रिया है, ढांचा जो ठीक ठाक चलता हुआ, जिसकी एक साख बनी हुई थी, उसको आप छेड़ने को। हाँ, तो उसमें आपके हिसाब से कोई इनके भी सरकार ने भी अगर सोचा तो इसमें कायदे का सरकार के पक्ष का तर्क क्या बनता है? ये सरकार से नहीं शुरू हुई, ये पिछले सरकार से शुरू हुई है, जब आउटसाइडर को लाके वो 360 डिग्री और वो प्राइवेट सेक्टर के तौर तरीके सरकार में। अच्छा, अब क्या हो गया है, अब जो सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होता है, वो वहीं पहुंच के किसी न किसी प्राइवेट कंपनी खुश करने की ट्राई करता है कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद फॉरन फिट हो जाऊंगा। हाँ, तुम्हारे यहाँ नौकरी करूंगा, मुझे तो अब ये हो गया कि कोई जरूरत नहीं है, मैं तुरंत नौकरी मिल जाएगी। और अगर मैंने ठीक लोगों को फिट रखा तो मेरी कूलिंग ऑफ भी पहले रिटायरमेंट के 2 साल तक काफी कूलिंग ऑफ रहती थी, कहीं कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते थे, कोई फेवर नहीं ले सकते थे, सब तरह की थी। तो ये एक तरफ पूरी तरह डिलम पोल है, क्रोनीइज्म को बैकडोर से अंदर किया जा रहा है। लेकिन इससे यूपीएससी के की तैयारी कर रहे हैं नौजवानों, उनके भविष्य को लेकर आप कितना खतरा और कितनी चिंता जायज मानते हैं? चिंता नहीं है, यूपीएससी तो अपना कैंडिडेट बना के भेज देगी। उसके बाद नहीं, उसके बाद उसकी काडर का वो किस सर्विस में जाए, किस सर्विस में जाएगा, ये तो एक नई चिंता होगी। हाँ, मतलब आप लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, मतलब जो प्रक्रिया उसको खत्म करके एक और कि भाई मुझे भी जुगाड़ बैठाना है कि अपने किसी तरह लेकर आऊं मैं, तो ये जुगाड़ को ले आना यूपीएससी के प्रक्रिया में। अभी एक रिटायर्ड कश्मीर काडर के आईएएस ऑफिसर ने किताब लिखी है जिसमें उस महिला ने बताया है किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में सिविल सर्विस में मनमानी से चयन होता था, मनमानी से प्रमोशन। वही भारत सरकार में अब वो होगा, जम्मू कश्मीर पैटर्न जो है वो दिल्ली में आ जाएगा यूपीएससी के उस पे। सोनाली कुमार ने अपनी किताब में बताया है, वो आईएएस की बेटी भी थी, आईएएस की बीवी भी थी। उसने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है इस तरह जम्मू कश्मीर में आज की हालत इसलिए खराब है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ठप हो गया था मनमानी नियुक्तियों से। नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्तियां लोकल जो है वो सब मनमानी से है, सिलेक्शन प्रोसेस कुछ है नहीं। और वही अगर दिल्ली या केंद्र स्तर पर होगा तो क्या होगा, ये बहुत चिंताजनक है। देश भर में वही होगा जो कश्मीर में हो रहा है। जी जी सुबह जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है प्रोग्राम जचा होगा। अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट लिखे भेजे। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो मोबाइल नंबर 0971774832 पर मुझे भेजें।
आपसे रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे हुए सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। धन्यवाद। नमस्कार।